हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैंने आपको दो लेवल बताए हैं और ये पर्टिकुलर एक रेंज को, मार्केट ये एक रेंज को डिफाइन कर रहे हैं। और ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, हम इनके पीछे का लॉजिक भी देखेंगे और सारी चीज़ों को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इन लेवल्स को बताने का लॉजिक आपको सिर्फ ये है कि अगर आपको मार्केट इसका ब्रेकआउट देते हुए, जो कि है 36,400, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है मार्केट में, यानी कि बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वहीं पे निचले वाले लेवल की बात करेंगे, 36,200 का लेवल है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन करके प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको जहां पे जो 30 का, यानी कि आज के दिन मार्केट ने लो बनाया है, यहां तक की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर लो का भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो मार्केट ने एक गैप बनाया है, एक गैप अप ओपनिंग देके मार्केट इस गैप को भी फिल कर सकता है। अब यहां पे एक और लॉजिक है, इसे भी एक्सप्लेन करते हैं। यहां पे आप देखेंगे, मार्केट जब आज के दिन 30 को जब मार्केट इस रेंज में गया और यहीं पे ही ऊपर नीचे उतरा, एक मोमेंटम ले लिया, अगर कल को भी मार्केट इसी रेंज में आपको घूमता हुआ नजर आया हो, यानी कि ऊपर रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको मार्केट के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी। मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है, दूर रहना है मार्केट से, क्योंकि कल के दिन आपको एक्सपायरी मिल रही है, तो आपको बड़े लॉसेस का भी सामना करना पड़ सकता है। नहीं तो अगर आप सस्ता खरीदते हैं तो चीजों को आप महंगे दामों पे बेच सकते हैं। इवन कुछ लोग यहाँ पे डबल भी कर पाते हैं अगर वे सही समय पे सही जगह एंट्री लेते हैं, क्योंकि वे उनका प्रीमियम काफी कम होता है और फिर वो बढ़ जाता है जब मार्केट का मोमेंटम आता है उन्हीं के डायरेक्शन में। डिपेंड करता है उन्होंने सी बाई किया हुआ है या पी बाई किया हुआ है, और उसी डायरेक्शन में उन्हें प्रॉफिट भी मिलना शुरू हो जाता है। तो अब इन लेवल्स के पीछे का लॉजिक हम समझते हैं। पहला लेवल रहेगा 36,400। आज के दिन तो आपको दिखाई दे रहा है 30 के, अगर हम बात करें तो मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। इवन क्लोजिंग भी आप देखेंगे इसी जोन के आसपास आपको क्लोजिंग देखने को मिली है। शुरुआती टाइम में मार्केट ने यहाँ पे इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन दे नहीं पाया और वहां पर एक मजबूत रजिस्टेंस के रूप में मार्केट उभर के आया। 23 को अगर आप देखेंगे, 23 को मार्केट ने पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया और यहाँ पे मार्केट रजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई दिया। 22 को जाएंगे, आपको यहां पे एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दिया। सबसे जो इंपॉर्टेंट रहेगा, आप 17 को देखिए। 17 को आपको यहां पे एक मजबूत सपोर्ट दिखाई दे रहा है, एक रेंज दिखाई दे रही है जो मार्केट ने फॉलो की थी। यहां पे हमारे चारों पैटर्न्स में से एक पैटर्न बन रहा था, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया और हमें यहां पे अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली थी अगले दिन, जब 21 को मार्केट ओपन हुआ था। सेम वही सिचुएशन आप यहां पे भी देख सकते हैं। अगर आप इन सारी चीजों को नजरअंदाज कर दे तो आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको इंतजार करना है ब्रेकआउट का। प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, वो होगी आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर मिल गया आपको ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो वो होगी आपके लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी। इतनी सी बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर हमने दो लेवल समझे। पहला लेवल रहेगा 36,200, जो कि हमारे लिए सपोर्ट की तरह बना हुआ है। दूसरा लेवल रहेगा 36,400, जो कि हमारे लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस के लिए की तरह बना हुआ है। समझ गए आप दोनों लेवल्स को, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो हमने कुछ चीजों को मॉडिफाई किया है। यहां पर ध्यान से समझो, मैंने अभी आपको ये रेंज समझाई, एक पैटर्न समझाया जो हमारे चार पैटर्न्स हैं। मैं पहले आपको पैटर्न्स दिखा देता हूं। ये चार पैटर्न्स मैंने आपको बताए हुए, ये वाला पैटर्न हमें यहां पे नजर आ रहा है। काफी लोग कमेंट करते रहते हैं कि सर इन पे वीडियो बनाओ पैटर्न्स पे। देखो दोस्तों, मैंने कई बार इन पे वीडियो बनाई हुई है, आपको पीछे जाके देखना पड़ेगा, चैनल पे जाइए, वहां पे जाके देखिए, आप मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए और यहां पे भी लगभग जो भी पैटर्न नजर आता है मैं उसे डिटेल में ही एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यहां पे हमें इंतजार करना है, अगर मार्केट इसी रेंज में रहा तो हम मार्केट के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो 36,600 पे नजर आ रहा है,
यहाँ पे आप देखेंगे 23 को देखो, 23 को मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। इवन 21 को देखिए, मार्केट में जो हमें ओपनिंग मिली थी गैप अप ओपनिंग, मार्केट ने इसी जोन में रेजिस्टेंस बनाया और वहीं से ही हमें गिरावट दिखाई थी। 17 को देखिए, 17 को तो मार्केट ने यहाँ पे भर भर के रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाया, बार बार ब्रेकआउट देने की कोशिश की लेकिन दे नहीं पाया और एक मजबूती से रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे दिखाया। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, उसके बाद जो हमें अगला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो 36,800 पे हमें अपना अगला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 23 को मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, जो कि एक गैप अप ओपनिंग हुई थी और मार्केट ने वहीं से ही हमें क्या दिखाई, गिरावट दिखाई। अब हम अपनी दूसरी बात कर लेते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, उस सिचुएशन में कंडीशन ये रहेगी 36,200 का भी ब्रेकडाउन मिलना चाहिए। और इस ब्रेकडाउन पे मैंने आपको दो चीजें समझाई हुई है। पहली, जो 30 का लो बन रहा है ये आपका टारगेट हो सकता है, अगर इसका भी ब्रेकडाउन आता है उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है वो 36,000 का नजर आ रहा है। दूसरी, मैंने ये बताया था कि अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, यानी कि सपोर्ट कहां पे लेने की कोशिश करेगा, 36,000 पे। क्यों? क्योंकि 29 को हमें यहां पे क्या देखने को मिला, एक रेजिस्टेंस देखने को मिला। पीछे जाइए 24 पे देखिए, 24 को भी हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, एक रेजिस्टेंस देखने को मिला। 22 को जाइए, 22 को भी हमें यहाँ पे क्या दिखाई दिया, एक रेजिस्टेंस दिखाई दिया और मार्केट में गिरावट देखने को मिली। फिर बाद में इस रेजिस्टेंस का हमें ब्रेकआउट भी मिला। 21 को देखिए, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट हमें दिखाया गया इस मार्केट पे। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल जाता है आपको, उस सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 35,800 पे हमें अपना अगला सपोर्ट यहां पे दिखाई दे रहा है। इसके लिए देखेंगे आप 29 को ऑब्जर्व करो, मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाया है। 28 को ऑब्जर्व करो, मार्केट में जब एक मोमेंटम आया था मार्केट ने इसी जोन में जाके रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और क्लोजिंग यहीं पे दे रखी है। 24 को देखो, मार्केट आपको यहां पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। उससे पीछे जाएंगे आप 16 को देखिए, 16 को मार्केट ने यहां पे एक अच्छा मजबूत रेजिस्टेंस दिखाया है, बार बार इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी लेकिन दे नहीं पाया था और हमारा यहां पे एक पैटर्न भी फॉर्म हुआ था। जब भी मार्केट एक रेंज में आता है, पर्टिकुलर किसी रेंज को फॉलो करना शुरू करता है, तो मैंने आपको बताया उसी रेंज में हमारे चारों पैटर्न्स में से आपको कोई सा ना कोई सा पैटर्न ज्यादातर नजर आ जाता है। तो ये चीज आप समझ गए। ये तो हो गए प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस। एक नजर हम नो ट्रेडिंग जोन पे भी डाल लेते हैं। नो ट्रेडिंग जोन अगर आप यहां पे देखेंगे, नो ट्रेडिंग जोन हमारा उसी के अराउंड है जो मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको एक रेंज बताई थी। यहां पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 36,418 की है, जो कि आप देखेंगे 30 का हाई भी है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं निचले वाली लाइन को देखेंगे, ये है 36,226। इसे मोटा मोटा आप मान के चल सकते हैं 36,200। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला और प्राइस नीचे सस्टेन किया तो जो 30 का लो है ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको यहाँ पे, यहां तक कि आपको सीधे सीधे टारगेट मिल जाएगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, फिर मैंने आपको समझाया कि मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये चीज मैंने आपको प्राइस एक्शन में भी समझाई है और वीडियो के शुरुआत में भी समझाई है, क्योंकि कल के लिए ये दोनों चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको इन पे दोनों पे नजर रखनी चाहिए, इन चीजों को समझ के चलना है। तो ये तो बात हो गई आपकी नो ट्रेडिंग जोन की। अब ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल होंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल होंगे, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। यहां पे आप देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 36,481 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 36,636 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है
ये 36,816 पे नजर आ रहा है। वही बात करें अगर बैंक निफ्टी में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 36,172 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 36,069 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 35,955 पे हमें तीसरा सपोर्ट यहां पे दिखाई दे रहा है। अब एक नजर डालते हैं हम ऑप्शन चेन पे। यहां पे आप देखेंगे 31 मार्च की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट करके यानी कि कल को हमें एक्सपायरी देखने को मिलेगी। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 36,500 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है जहां पे आप देखेंगे 20.2 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें 36,600, 36,700 एंड 36,800 इन तीनों ही लेवल पे जो ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है हमें वो लगभग सेम दिखाई दे रहा है 7.9 लाख, 7.7 लाख एंड 7.9 लाख तीनों पे सेम दिखाई दे रहा है। यानी कि पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि मार्केट में आपको साइडवेज मोमेंटम देखने को मिले क्योंकि सेम ही सिचुएशन हमें यहां पे भी नजर आ रही है। अगर आप देखेंगे एक मजबूत सपोर्ट इस जोन पे दिखा के फिर साइडवेज सिचुएशन हमें देखने को मिले। हालांकि कल क्या होगा क्योंकि लाइव मार्केट में ये डाटा चेंज भी हो जाता है, यहां से शिफ्ट होके यहां जा सकता है या फिर यहां से शिफ्ट होके यहां आ सकता है। अब अगर हम देखें उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 37,000 पे नजर आ रहा है जहां पे आप देखेंगे 20.3 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। बात करें सपोर्ट की तो 36,000 पे हमें एक सपोर्ट नजर आ रहा है जो कि हमने लेवल काफी बार डिस्कस किया है। यहां पे आप देखेंगे 20.1 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वही बात करें 35,900, 35,800 एंड 35,700 इन तीनों लेवल पे सेम वही आसपास ही ओपन इंटरेस्ट नजर आ रहा है। यहां पे आप देखेंगे 8.1, 7.7 लाख एंड 7.6 लाख। वहीं बात करें अगर इन सभी का आपको ब्रेकडाउन मिलता है उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 35,500 पे जहां पे आप देखेंगे 14.8 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरे एनालिसिस आपकी कितनी मदद करते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कॉन्टेंट के साथ। थैंक यू।